लॉकडाउन के दूसरे चरण में महानगर में सब्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। शहर के विभिन्न वार्डों में 20 सब्जी की गाड़ियां निकली। इस संबंध में फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राय ने बताया कि पब्लिक की डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरे चरण में पहले चरण से ज्यादा डिमांड है। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के पास जिस भी वार्ड से फोन आता है, हम लोग 2 गाड़ी रिजर्व रखते हैं, उसको तुरंत वार्डों में भेज देते हैं। ये प्रक्रिया पूरे लॉकडाउन तक चलेगा और जब तक कि लॉकडाउन खत्म ना हो जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राय ने कहा, मेरा नाम फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन गोरखपुर। सब्जी गाड़ियाँ प्रतिदिन डेली बढ़ रही है, जैसे कि कल 17 गाड़ियाँ गई, आज 20 गाड़ियाँ गई है और 2 गाड़ियाँ हमारे पास रिजर्व खड़ी हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आदेश मिलेगा हमको कि गाड़ियाँ भेजा जाए तो हम फौरन गाड़ियाँ भेज देंगे। इस समय डिमांड क्या है जनपद की, वार्डों की आपको? इस समय डिमांड के अनुसार गाड़ियाँ जा रही, डिमांड इस समय आ रहे हैं सब्जी गाड़ियाँ की। ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, इस समय ज़्यादा है, ज़्यादा डिमांड आ रहे हैं। इस समय प्रक्रिया कब तक चलता रहेगा? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी, पूरा लॉकडाउन तक चलती रहेगी प्रक्रिया। गाड़ियाँ जाती रहेगी, वार्ड सारे वार्डों में जाती रहेगी, जैसे जैसे डिमांड होगा वैसे वैसे गाड़ियाँ जाती रहेगी। लगभग तब भी एक दिन में कितनी गाड़ियाँ वार्डों में जाती हैं? अब आज के डेट में तो 20 गाड़ियाँ अभी तक गई हुई है और 2 गाड़ी रिजर्व हमने रखा है, अभी उस पर सामान नहीं लगा। गाड़ी रिजर्व रखा, सामान तो है ही हमारे पास, आलू प्याज हरी सब्जी है। जैसे वहाँ से कॉल आता है सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा कॉल आता है, फौरन सामान लोड होकर वहाँ पर गाड़ियाँ चल देगी।